मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, घुटने की दर्द है, हमें बताइए कि किस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए। ओपीडी में पेशेंट विजिट करते हैं और अक्सर ये सवाल कर देते हैं कि डॉक्टर साहब, परहेज तो बता दें, आपने परहेज नहीं बताई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम जब ना खाएं जिससे हमारे घुटने में तकलीफ कम हो जाए। तो देखें, जहाँ तक परहेज की बात है तो उसमें मैं कहूँगा कि हर चीज़ के पीछे एक ही मसला है। अगर आप शुगर कंटेंट अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं, अगर आपकी डाइट में बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी डाइट में मिठाइयाँ हैं, आपकी डाइट में कोल्ड ड्रिंक है, तो वो ना सिर्फ आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को डैमेज करेगी बल्कि आपके घुटने के अंदर भी पेन को बढ़ाएगी। क्योंकि शुगर एक ऐसा नशा है जिसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मैं डाइट में लूँ और मैं क्या ना लूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी डाइट में से या अपने फूड आइटम में से शुगर के कंटेंट्स जो हैं वो कम कर दें। अगर आप शुगर के कंटेंट्स कम करेंगे तो 100% चांस है कि आपके जो घुटने की तकलीफ है 50% कम हो जाए। क्योंकि शुगर इटसेल्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन शुगर की वजह से जिस्म में होगी उतना ज़्यादा आपको जोड़ों में दर्द होगा। तो मेरी राय यही होती है कि आप अपनी डाइट से शुगर के कंटेंट को कम कर दें, इससे आपकी घुटने की दर्द में भी कमी हो जाएगी।